गाइज गुड इवनिंग कैम सो जय श्री कृष्ण। आई होप के सब ठीक हो गए। तो वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग हरर महादेव। तो अभी शाम हो गई है और वीडियो आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है हमने। तो अभी हमारे प्रकाश भाई देखो ये बड़े शहर के लोग अभी काम कर रहे हैं खेत में। अभी एक निरन जो घास होता है उसको लेके जा रहा है, फिर एक घास की कटाई कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आपको दिखाते हैं कि सब कैसे काम करते हैं। बहुत ही थोड़े से टेक्निक थोड़े से काम में स्लो होते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करते हैं। देखो यहाँ पर तो भी हमारे देव बहन देखो यहाँ पे घास की कटाई कर रहे हैं। इसको पहले पूछते हैं, उसको कहते हैं कि हम आपको काटे, फिर इसको वो कहता है कि चलो अभी हमें काटो। तो अभी हम तो काटते हो ऐसे काम कर रहे हैं कि पूछ कर काम कर रहे हैं देखो। और शाम भी बहुत ही बढ़िया निकल आई है और धूप बस सूरज ढलने ही वाला है। हमारे बहन देव बहन अभी देखो यहाँ पे गांव का सारा काम कर रहे हैं। अभी भैंसों को यहाँ पे ले रहे हैं और हमारे मम्मी अभी शाम का जो साफ करने का टाइम हो गया या फिर कर गए भैंसों का, तो वो साफ कर रहे हैं। और शाम पूरी तरीके से ढल गई है, उन लोग के ढलने को आई है, बस थोड़ी देर में ढल जाएगी। तो बस और अभी इस पहले शुरुआत कर दी, अभी तो पहले गए भैंस को लिया, अभी सारे बाकी है। तो भी मॉर्निंग वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग कैम्प शो। आई होप के सब ठीक हो गए। तो हरर महादेव जय श्री कृष्ण कैम्प शो। तो अभी हम मूँगफली के खेत में आ गए हैं और सुबह के बजे 8:30 खेत में आ गए। अभी नहाना बाकी है, थोड़ा सा बाजरी में भी पानी चल रहा है तो इसके वजह से अभी हम पहले पानी पिलाते थे फिर नहा लेंगे। तो पहले आपको पानी पिलाते मुझे ऐसा लगा कि मूँगफली का खेत आपको बता दूँ कि बहुत दिन हो गया अपनी मूँगफली को नहीं देखे हुए। तो कल हमारे पापा ने यहाँ पे मूँगफली में पानी चढ़ा दिया था। तो आज देखते हैं कि मूँगफली कितनी उसमें दाने आए हैं कि नहीं आए। तो चलो देखते हैं। सारे मूँगफली है और इसमें से हम एक छोड़ निकालेंगे।
बीच में जाके, तो फिर इसको देखा जाएगा कि मूंगफली इसमें किसी को कितनी अच्छी हुई है। तो चलो एक बार जाके देखते हैं कि मूंगफली की क्या हालचाल है और उसमें दाने बैठे या नहीं, दाने उसमें आए नहीं, तो उसके लिए हमें उसके बीच में जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, तो चलो अभी मूंगफली लेकर हम जाते हैं घर, तो इसको खाते खाते जाते हैं। और अभी 9:30 बजने को आए, तो नहाना है, फिर नहा के देखते हैं क्या क्या काम करना है। तो चलो हमारे साथ, तब तक आप वीडियो में बने रहना। तो मिलते हैं नहा धो के, तो कंटिन्यू, और अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। चलो बाय बाय। हे गाइस, तो अभी मॉर्निंग का वक्त है, 11:30 बजने को आए, और यहाँ पे थोड़ी सी धूप भी बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो वो भी हमारे मम्मी यहाँ पे सब जो साग भाजी है तो उसको अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं, देख ही सकते होगे। तो यहाँ पे जो सोला फली कहते हैं वो है, फिर अड़द मग कहते हैं वो भी है। यहाँ नज़दीक जाके दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं है इसमें। मग क्यों आलीला छे ने मग कहेवाय छे, अने काळा होय ने अड़द कहेवाय छे। तो जो ग्रीन ग्रीन होते हैं उसको मग कहा जाता है, और कठोर में सब उपयोग होता है। और यहाँ पे देखो ये सब ब्लैक ब्लैक, तो उसको अड़द कहा जाता है। तो आप सब देख ही सकते हो अभी। तो यहाँ पे गुआर की सब्जी है, फिर यहाँ पे करेला सब करेले जो कहते हैं वो है, और यहाँ पे डोडे मकई के डोडे, मकई जो हमने बोई थी तो उसमें भी अभी डोडे आने की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हो, ये देखो ये पूरी तरीके से, और बहुत ही दोनों तरफ मकई है, बीच में नारियली का छोड़ है, तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। और वैसे भी अभी इस सीज़न में मकई के वो जो फसल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गाय भैंसों का सारा एक तरफ बहुत ही बेनिफिट मिलता है, गाय भैंसों को खाने में भी बहुत अच्छा होता है, उसमें पोषण मिलता है, थोड़ी सी शक्ति है। और जो मकई के जो भी जो ज़्यादा हो तो मार्केट में जाते हैं, और ना हो तो घर पे खाने के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मकई में इसमें एक रोग आता है, आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से पूरी तरीके से छोड़ पूरा खत्म हो जाएगा। जो ये बारीकी से देखो, यहाँ पे देखो तो भी लकड़े को तोड़ बना के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो चूल्हा होता है उसमें जलाने के लिए उपयोग होता है। तो इसी वजह से काका उड़ सो ना, तो सीधा नाली हसड़ी जाओ।
बहुत हार्ड वर्क लगता है इसमें। फाड़ता है, फाड़ता था। तो अभी हम और हमारे पापा मकई का सारा देखने के लिए आए हैं, और जो हमारे भाई के जो गांव से हमें घर आते हैं उस रास्ते में एक खेत है, बाहर के लोग इसको मतलब के फसल इसमें डालते हैं। तो आज हम सारा देखने को ले आए हैं, और हमारे धर्म दादा जो यहाँ उसके खेत की देखभाल करते हैं और बाजू में ही उसका खेत है, तो हमें दिखा रहे हैं कि कैसा सारा है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये मकाई है जो अमेरिकन मकाई है और थोड़ी सी देसी मकाई है, तो हमें तो देसी मकाई गाय भैंसों को खाने के लिए यूज करनी है, तो देसी मकाई के लिए दो क्यारे ले जाने हैं। तो देखते हैं जो वो पता है दाम में, अच्छे दाम में, तो ठीक है वरना देखा जाएगा। तो चलो तब तक हमारे वीडियो में बने रहना और देखते रहना हमारा व्लॉग एंड तक। सवारी चल दी है बाजरे के खेत में, वहाँ पे बाजरा रखा हुआ है जो हमने आज निकाला था। हमने तो नहीं निकाला था, हमने तो बैठने खेत में निकाला था। हम वहाँ पे जाके वहाँ पे जा नहीं सकते थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई। तो अभी हम जा रहे हैं, हम हमारे पापा, तो बाजरा वहाँ पे रखा है तो उसके दो भाग करने हैं, मतलब के दो हिस्सों में बांटना है, क्योंकि हमारा अलग है, हम और नरेश भाई की दोनों भागीदारी की थी कि उसके लिए बाजरा किया था, कि भाई हम साथ में जो थोड़ा सा काम, जो किसी का थोड़ा सा पैसा लगा हुआ था, किसी का काम लगा हुआ था, तो उसकी वजह से उसके हिसाब से भाग करने हैं, दो हिस्सों में बांटना है। तो इस तरीके से बांटते हैं, थोड़ा सा हिल रहा है, माफ़ करना। बने रहना, खाने पे मिलते हैं और बात।
आदरा भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। आदरा भी यहाँ पे घर में डाल दिया है अभी, कि बारिश आने की थोड़ी सी संभावना रहती है, तो फिर अंदर डालना ही ठीक रहता है।